हाय 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 हाय, देख के मुंह में पानी आ ये ऊपर जी गाइस। तो अभी शीशे वगैरह जो है ऊपर रख दिए सारे। हेलो फ्रेंड, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो वेलकम हो गया सबका मेरे चैनल रोड साइड ऑडी पे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे और अपने भाई को याद कर रहे होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो, सांस चढ़ गया। तो वेलकम हो गया सबका मेरे चैनल पे। अभी मैं अपनी दुकान पे आया हुआ था काम वगैरह करने के लिए, आप देख सकते हैं मैं अपनी शॉप पे हूँ। तो अच्छा, तो किचन सेटअप वगैरह जो है मामू वो लगाने गए हुए थे, आ चुके हैं। तो अभी उनको भी भूख लगी हुई थी, तो दोपहर के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए घर, क्योंकि सालन जो था वो ख़त्म हो गया था। तो अभी मामू कह रहे थे क्या बनाए, तो मैंने कहा उधर से लेके आते हैं चिकन रोस्ट, मैं भी होने वाला है छुट्टी का। तो अभी हम चलते हैं उधर से चिकन वगैरह लेके आते हैं और चलते हैं घर, क्योंकि आज सारा दिन या जो सा भी खाना खाना ना बाहर की चीज़ ला के खानी है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो घर से कुछ नहीं खाना, ये भी हमारा एक चैलेंज हो गया। अच्छा, तो अभी बस चलते हैं उधर। तो जो लोग चैनल पर नए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। तो अभी फिर चलते हैं, ये दिजाज वगैरह लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, तलाते तलाते तो ये दिजाज वगैरह लग रहे हैं। इराकी इनको दिजाज कहते हैं, लेकिन हम इनको कहते हैं मुर्गी रोस्ट, चिकन रोस्ट। तो ये बस लेते हैं, तीन हमें लगवा ली हैं। ये चेक कर सकते हैं आप क्या लग रही हैं, मज़ा आ रहा है देख के, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। इधर से पकड़ते हैं, अंकल को भी आगे से बुलाने जाना है क्योंकि खाना तैयार है, आ जाए घर। तो इनसे पकड़ते हैं, पैक वगैरह करवाते हैं और फिर चलते हैं जी गाइस। तो अभी ये भाई हमारा पैक करने लगे हैं दिजाज। तो ये सारे चावल हैं जो इन्होंने रखे हैं ऊपर। ये बैंगन है, इसको ये लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं इसको। ये इस तरफ ये कोई फासोलिन है, वो तैयार कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या है, फासोलिन कह रहे हैं ये। ये साथ अचार वगैरह डाल रहे हैं अंदर। इधर हर चीज़ का अचार मिलता है, खीरे टमाटर गोभी आलू हर चीज़ का अचार मिलता है। गाजरें वगैरह वो तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन हर चीज़ का मिलता है, सिर्फ आम का इधर जो है वो मिलता ही नहीं है। ये देखें, ये इसके अंदर इन्होंने खीरे वगैरह डाले हुए हैं और साथ ये मूली का अचार है। ये देखें गोभी का अचार। अभी भाई मुर्गी वगैरह निकालने लगे हैं। हाय 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 हाय, देख के मुंह में पानी आ रहा है जी, देख के मजा आ रहा है यहाँ पे, मुंह में पानी आ रहा है। ये हमारी मुर्गी निकल चुकी है, अभी ये देखना भाई काटते हैं। इसके अंदर भी इन्होंने चावल वगैरह भरे होते हैं इसके अंदर भी, ये देखा इसके अंदर भी चावल वगैरह भरे हुए हैं। ये ऊपर इमली वगैरह लगा रहे हैं भाई, अभी पैक होने लगा। जी गाइस, तो दिजाज वगैरह हमने पैक करवा लिया है, अभी हम अगली दुकान से भाई को अपने अंकल को लेने जा रहे हैं। वो अंकल आ गए हैं, वो सामने आ रहे हैं जी गाइस। तो अंकल वगैरह हमारे आ गए हैं, मैं तुहानू लैन चला सा। हाँ जी, चलो अभी उधर से दिजाज वगैरह पकड़ते हैं और चलते हैं घर जी गाइस। तो अभी हमने अंकल को भेज दिया है दिजाज वगैरह दे के। तो ये तो दोपहर का खाना है ना, वो जो हमें जा खाना, लेकिन शाम के खाने के लिए मामू कह रहे थे आज क्या बनाएं। मैंने कहा घर से कुछ नहीं खाना, बाहर की चीज़ कोई लानी है। तो मामू कह रहे थे फिर टिक्के बना लेते हैं आज, मैंने कहा ठीक है। मामू ने सीखे वगैरह ला के रख ली हैं, तो अभी हम उधर से जा रहे हैं मुर्गी वगैरह ला के घर जो है स्टीम करके, उसको ऊपर मसाला वगैरह लगा के रख देंगे। फिर शाम को जब जाएंगे ना, तो फिर जाके टिक्के लगा लेंगे। तो अभी हम लेने जा रहे हैं मुर्गी जी गाइस। तो अभी हम शॉप पर पहुँच चुके हैं, यहाँ से मुर्गी वगैरह लेनी है। इधर वेट होने लगा इनको,
जी गाइस, तो मुर्गी वगैरह हमने ले लिया, अभी चलते हैं घर, क्योंकि दिजाज वगैरह जो है हमारे ठंडे हो जाएंगे, तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं घर। भाई वो हमारे आगे आगे जा रहे हैं। जी गाइस, तो ये देखें लाइन बना के सारे जा रहे हैं, वो देखिए उन्होंने भी दिजाज पकड़ा, इधर मुर्गी पकड़ी हुई है भाई ने। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो इधर मुखो। हमने भी सीखे वगैरह पकड़ी, कुछ सीखे घर पड़ी हुई हैं और कुछ सीखे मैंने ये न्यू ली हैं। अच्छा, क्योंकि ये इनके पास इतनी थी, तो अभी चलते हैं घर और जाके इसको भी मसाला लगाते हैं और जो दिजाज लेके आए उसको खाते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, टाइम भी हमारे पास तकरीबन आधा घंटा रह गया बस। जी गाइस, तो अभी घर आ चुके हैं, लाइट भी हमारी जो है वो गई हुई है, तो अभी दिजाज वगैरह चेक करते हैं कैसा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा आया। जी गाइस, तो खाना वगैरह खा के मैं आ चुका हूँ शॉप पे, तो आके इधर मैं काम लग गया था, तो ये किचन सेटअप मैं बना रहा हूँ, ये तीनों को मिला के एक किचन सेटअप बनेगा, तो अभी ये मैं कंप्लीट करने लगा हूँ, तो अभी मिलेंगे इंशाल्लाह आपको शाम को। जी गाइस, तो अभी दुकानें वगैरह हमने बंद कर दी हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा, सुबह मिलेंगे। तो अभी मामू गए हैं वाशरूम, तो भाई लोग ये सारे खड़े हैं, तो चलते हैं फिर घर। लबला भी लगी हुई है, लेकिन वो जो पानी अंदर डालते हैं ना, वो वाशरूम का पानी डालते हैं, हम इतनी देर खाते रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला यार। तो अभी बस जाने लगे हैं घर, तो अभी चलते हैं घर बस। जी गाइस, तो अभी दुकानें वगैरह बंद करके हम आ चुके हैं घर। तो इधर गोश्त, पहले तो हम इसके अंदर मसाला जाने थे डाल के गए, भूल गए थे, टाइम भी हो गया था काम पे जाने का, जिसकी वजह से हम इसके अंदर मसाला नहीं थे डाल के गए, तो अभी आए हैं। तो मामू मसाला वगैरह डाल रहे हैं इसके अंदर, ये हल्दी वगैरह, ये मिर्ची डाल रहे हैं। जी गाइस, तो ये नेशनल का चाट मसाला हमने स्पेशल जो है ना उधर से मंगवाया था, पाकिस्तान से। नींबू वगैरह भी डाले जा रहे हैं, तो चाट मसाला भी डाल दिया अभी बस। जी गाइस, तो अभी गोश्त को मसाला वगैरह लगा के रखा है, थोड़ी देर मसाला वगैरह उसके अंदर रस जाएगा। अभी हम जा रहे हैं उधर केचप वगैरह लेने के लिए, और टूथपेस्ट भी ख़त्म हुई है, थोड़ा सा सामान लाते हैं और साथ बोतल वगैरह लाएँगे, और रोटियाँ वगैरह भी लाने वाली हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, तो साथ भाई गुलफाम को भी कह के आते हैं जल्दी आ जाना भाई, क्योंकि अच्छा जी, तो भाई गुलफाम को भी कहते हैं आ जाना जल्दी जल्दी, क्योंकि तिक्के वगैरह बनने लगे हैं, तो आप कहीं रह ना जाना। जी गाइस, तो अभी भाई इधर रोटियां वगैरह लेने लगे हैं, तो हम जाके दूसरा सामान उतनी देर लेते हैं, उतनी देर तक रोटियां भी लग जाएंगी। जी गाइस, तो भाई गुलफाम हमें मिल गए हैं। भाई गुलफाम, क्या हाल है, ठीक हो? आपने तो ऐसे जैसे नशा किया होता है भाई, के थक गए हैं आज तक बहुत। अच्छा, तो इधर से भाई क्या चल दें, ये नहीं ये वाली, ठीक है, ये कैचअप होगी, और साथ हमें दे दें, क्या उसे कहते हैं, बोतलें दे दें दो। आप भी जल्दी जल्दी आ जाएं ज़रा घर, ठीक है जी, जल्दी आ जाना, बाद में ना कहना कि काम ख़राब हो गया है, ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। हाँ जी, ठीक हो, कोई मसला नहीं, चलो। जी गाइस, तो हमें टूथपेस्ट भी मिल गई है, फ्री स्टोर कोलगेट, क्लोजअप पकड़ो भाई, काउंटर पर ले के जाएँ आप, मैं उतनी देर बोतल वगैरह लेके आता हूँ, बोतल वगैरह इधर पड़ी हुई है। एक हाँ जी, स्प्राइट और एक कोक ले लेते हैं। जी गाइस, तो भाई भी रोटियां वगैरह लेके आ चुके हैं, हमने भी बोतलें वगैरह और केचप वगैरह और जो भी सामान लेना था वो भी ले लिया, तो अभी हम भी चलते हैं घर। जी गाइस, तो आए भट्टी वगैरह जो है तैयार हो गई है, बस ये कोयले वगैरह जैसे ही बनते हैं, तो इसके ऊपर जो है टिक्के हम रख देते हैं। सीखे वगैरह इधर मामू बना रहे हैं। हाँ जी मामू जी, ये देखें जी कितना अच्छा कलर लग रहा है, अभी तो बने भी नहीं है। जी गाइस, तो अभी सीखे वगैरह जो है ऊपर रख दिए हैं, सारे भाई बैठे हुए हैं, माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। तो बस उम्मीद है कि थोड़ी देर तक जो है ना ये तैयार हो जाएंगी, कोयले वगैरह बकाया हमने इधर रखे हुए हैं,
और बकाया गोश्त जो है वो उधर रखा हुआ है। तकरीबन 5 मिनट के अंदर ना ये सीखे तैयार हो जाएंगे, फिर ऊपर वो रख देंगे। तो थोड़ी देर तक जो है ना देखते हैं कि कैसा टेस्ट आता है। खुशबू तो बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही है जी गाइस। तो अभी ये सिर्फ आखिरी 3 सीखे रह गई हैं, बगैर सारे जो पतीला शीतीला ख़त्म हो चुका है, ये हमने रख लिया। भाई लोग वो दस्तरखान बिछा रहे हैं, तो रखते हैं दस्तरखान के ऊपर और खाते हैं जी गाइस। तो अभी टेस्ट वगैरह चेक करते हैं। मज़ा आया जी गाइस। तो खाना वगैरह खा लिया था, बहुत टेस्टी बने हुए थे यार, मज़ा आ गया टिके खाने का। जो भाई बैठ के शुगर लगा यार, वो तो रिकॉर्ड तो नहीं मैं कर सका, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो उम्मीद है आपको इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो मुझे तो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, मैं कहता हूँ सारे जो पैसे हैं ना वो पूरे हो गए हैं। तो बकाया अभी मैं करने लगा हूँ रेस्ट, क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा हो गया। अभी वीडियो भी एडिट करनी है और पोस्ट भी करनी है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ। सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।